हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट। आज हम बात करेंगे स्केटिंग कैसे किया जाता है बहुत ही आसान तरीके से, केवल 3 स्टेप में। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप इसे पहली बार पहनेंगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप ग्राउंड पे आ जाएं। तो चलिए ग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप रोलर स्केट पहन लीजिए, उसके बाद एक पैर को दूसरे पैर के पीछे फंसा के आप सीधे खड़े हो जाइए। उसके बाद खड़े कैसे रहना है वो देखो, एक पैर को सीधा कर लो और दूसरे पैर को 90 डिग्री पर मोड़ लो, उसके बीच में उसके पहिए के बीच में आप फंसा लो, इससे आप गिरेंगे नहीं। घुटने को मोड़ के आप चेक कर सकते हैं, पहिया नहीं फिसलेगा। पहला स्टेप है पैर उठाकर धीरे धीरे चलना है। ऐसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ध्यान से कि देखिए कैसे पैर उठाना है, आपको धीरे धीरे पैर उठाना है, ऐसे चलना है और दोनों पैर पैरेलल मत रखना, इससे आगे या पीछे गिर जाएंगे। हल्का सा तिरछा रखना जिससे गिरे ना। सेफ्टी के लिए आप एल्बो हेलमेट वगैरह पहन सकते हैं और ज़्यादा कोशिश करिए कि आप झुके रहें जिससे कि आप गिरे तो चोट ना लगे, और ऐसे प्रैक्टिस करिए 1 घंटा या 45 मिनट। एक बात का आप ध्यान रखिएगा, सरफेस थोड़ा चिकना होना चाहिए, जैसे कंक्रीट का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा खुरदरा होगा तो इसे आप सीख नहीं पाएंगे। तो कोशिश करिएगा कि जैसे घर में गैलरी हो उसमें आप किनारे दीवार पे हाथ लगा सकते हैं, जब गिरे तो इससे आप बचे रहेंगे। ऐसे प्रैक्टिस करते रहें और जब तक प्रैक्टिस करते रहिए जब तक आपको लगे ना कि मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे हम सिखा रहे हैं, इसका आज पहला दिन है। कैसे चल रहा है देखिए, इसका पैर कितना फिसल रहा है और कितना डरा हुआ है, तो आप यहाँ पर फील भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की। धीरे धीरे पैर रगड़ना है, यहाँ भी पैर को तिरछा रखना है जैसे फर्स्ट स्टेप में था, ठीक है। तो पैर धीरे धीरे रगड़िएगा नहीं तो रगड़ जाओगे। कोशिश करो कि अभी पैर ना उठे, लगभग 10-15 मिनट प्रैक्टिस करने के बाद हल्का हल्का पैर उठाने की कोशिश करना। इस स्टेप को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें क्योंकि इसके बाद फाइनल स्टेप आ जाएगा। लगभग 2 घंटे इसका प्रैक्टिस करें। बॉडी बैलेंस का ज़्यादा ध्यान रखना क्योंकि इसमें पैर भी उठाना है, जो पैर आप आगे बढ़ा रहे हैं उसी पर बॉडी का वेट ट्रांसफर करना। कभी दोनों पैर पैरेलल ना करना, अगर पैरेलल करोगे तो क्या होगा, गिर जाओगे और क्या। अब देखिए इसका दूसरा दिन है, देखिए काफ़ी हद तक सीख गया है, लगभग 50%। तो ऐसे आप भी सीख जाएंगे 2 दिन में। ये बहुत बार गिरा भी है, इसको आप भी देख सकते हैं, इसके पीछे देखो कितनी मिट्टी लगी है। आप कोशिश करिए पैर को थोड़ा तिरछा रखेंगे तो फिसलेंगे नहीं और जल्दी ही सीख जाएंगे। अब फाइनल और थर्ड स्टेप आते हैं। इस स्टेप में आप सीख ही जाएंगे, बस ये है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेप बहुत सही से सीखना, वैसे ही करना है जो आप फर्स्ट और सेकंड स्टेप में सीख के आए हैं। पैर को हल्का तिरछा करना है, तिरछा पैंडल मारना है। जब आप कंप्लीट रूप से सीख जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, और ये गेम ऐसा है आपके सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, इसमें आपके पूरे बॉडी का एक्सरसाइज हो जाता है, इतना ही अच्छा गेम है। रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपकी हाइट भी बढ़ती है, इस गेम से आप शारीरिक रूप से फिट रहेंगे। अगर शारीरिक रूप से फिट हैं तो आप मानसिक रूप से भी फिट रहेंगे। इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।